दिल्ली को आधिकारिक तौर पर नया उपराज्यपाल मिल गया है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में विनय कुमार सक्सेना को राजनिवास में आयोजित समारोह में दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हाल ही में अनिल बैजल के निजी कारणों के चलते इस्तीफा देने पर केंद्र सरकार ने विनय कुमार सक्सेना की नियुक्ति की है। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम केजरीवाल, उनके कैबिनेट के सहयोगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। मैं विनय कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में अपने कर्तव्यों के समन्वयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दिल्ली के एलजी से पहले सक्सेना अब तक खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कानपुर में जन्मे विनय सक्सेना लाइसेंस्ड पायलट हैं और कॉरपोरेट और सोशल जगत में एक बड़ा नाम। वहीं शपथ लेने के बाद एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि आप मुझे राजनिवास से ज्यादा सड़कों पर देखेंगे। प्रदूषण दिल्ली में एक प्रमुख मुद्दा है। केंद्र, दिल्ली सरकार और स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान नए एलजी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री का आभार जाहिर किया। आपस में लड़े, खून भी बहाया है बहुत, पर जो कुछ भी है अच्छा है बुला दो। मिलजुल के भला क्या नहीं हो सकता बखूबी, आवाज में हर शख्स की आवाज मिला दो। मैं आज बस इतना ही कहना चाहूंगा और मेरी कोशिश होगी कि हम सब मिलजुल कर दिल्ली को एक खूबसूरत सिटी बनाने का प्रयास करें। दिल्ली को मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरा सपना है कि दिल्ली सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ फ्लावर्स बने, उसके लिए हम सब मिलकर काम करें। एलजी विनय कुमार सक्सेना के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि विनय कुमार सक्सेना के एलजी बनने पर बधाई, उनका स्वागत करते हैं, पूरा सहयोग किया जाएगा। गौरतलब है कि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर मतभेद रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अब दिल्ली सरकार और नए एलजी के बीच किस तरह से तालमेल रहता है। हालांकि सीएम ये दावा कर रहे हैं कि सरकार की ओर से पूरा सहयोग देंगे। वहीं एलजी ने कहा कि सब मिलजुल कर दिल्ली को खूबसूरत शहर बनाने का प्रयास करेंगे। दिल्ली को सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ फ्लावर बनाने के लिए सभी को काम करना होगा। टोटल न्यूज़ के लिए देवेश कुमार की रिपोर्ट।